फतेहपुर जिले के असोथा नगर पंचायत में चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। यहां पर युवाओं ने न केवल सफल लैंडिंग के लिए पूजा पाठ की बल्कि लैंडिंग के बाद एक दूसरे को बधाई देकर खुशियां भी मनाई। नगर पंचायत के मोटे महादेव मंदिर में शाम 5 बजे से युवाओं का हुजूम उमड़ा। यहाँ पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग से पूर्व ही सामूहिक सुंदरकांड का पाठ शुरू हुआ जो लैंडिंग के बाद तक जारी रहा। जैसे ही शाम 6:04 पर सफल लैंडिंग हुई सभी ने एक दूसरे को बधाई देकर खुशियाँ मनाई। इस दौरान अभय, शिव, रजत, अभिशार, अवनीश, अंशुमान, निर्भय, अनु, प्रतुल, राज, वैभव, आकाश सहित बड़ी संख्या में युवा मौजूद रहे। चंद्रयान 3 की लैंडिंग पर रजत तिवारी ने कहा, यह हम सभी के लिए बड़े ही गौरव की बात है कि हमने चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की है। इसका महत्व तो इसी बात से समझा जा सकता है कि बीते दिनों रूस ने भी अपना चंद्रयान लूना 25 भेजा लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। ऐसे में हमारे वैज्ञानिकों ने वह कर दिखाया जो बड़े बड़े देश नहीं कर पाए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज ऐतिहासिक क्षण है पूरे भारत पूरे जिस देश के लिए, क्योंकि आज जो है चंद्रयान 3 हमारा जो है सफलता पूर्वक चांद पर लैंडिंग कराई है। जैसा कि हमने अभी 2 दिन पहले देखा था कि रूस जैसा जो एक मतलब टेक्नोलॉजी के मामले में अपने काफी महारत हासिल है उसे, तो उसने भी जो है अपने लूना 25 जो उन्हें भेजा था मून पर उसकी सफलतापूर्वक लैंडिंग नहीं हो पाई थी और वो कैंसिल हो गई थी, क्रैश हो गया था वहीं पर। लेकिन हमारे चंद्रयान 3 जो कि वहां पर अपना सफलतापूर्वक अपना झंडा गाड़ चुका है अर्थात जो है वहां पर अपना स्थायित्व बना चुका है, जो कि हमारे पूरे भारत देश ही नहीं पूरे विश्व के लिए एक गौरव का प्रतीक है। हमारे देश के संस्कृति, हमारे देश की आन बान शान आदि जो है हमारे चंद्रयान 3 के द्वारा जो है दिखाई गई कि कैसे भारत देश जो कि कहीं एक समय में जो है इसका जो है टेक्नोलॉजी के मामले में कहीं कोई स्थान नहीं था, लेकिन आज चंद्रयान 3 के द्वारा इस देश की रक्षा, इस देश के सम्मान आज जो है समस्त जो है चंद्रयान 3 ने अपना जो है वर्चस्व हासिल करके चंद्रमा पर जो है अपना स्थायित्व बना करके पूरे देश को एक गौरव का क्षण प्रदान किया। इसी के लिए हम लोगों ने आज इस नगर पंचायत असोथर के ग्राम नगर पंचायत असोथर में मोटे महादेव मंदिर में हम सभी लोगों ने आज बजरंग बाण तथा श्री हनुमान चालीसा का जो है पाठ किया ताकि जो है हनुमान चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की जा सकी और इस तरह से हमारे सभी देश के लिए आज ये बहुत ही गौरव का प्रतीक है। भारत माता की जय। अंशुमान सिंह ने बताया कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए जहां देश भर में पूजा पाठ हुए तो वहीं असोथर स्थित मोटे महादेव मंदिर में भी भव्य सुंदरकांड का पाठ हुआ। लैंडिंग के बाद हम सभी ने एक दूसरे को बधाई एवं शुभकामनाएं देकर जश्न मनाया। नगर पंचायत असोथर में आज अपने सभी साथियों के द्वारा आयोजित कार्यक्रम मोटे महादेव मंदिर पर हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया जिसमें सभी भक्तजन उपस्थित रहे और यह प्रार्थना की गई कि सफल लैंडिंग चंद्रयान 3 की हो, जो द्वितीय में जो गलतियां की गई हैं वो दोहराई न जाए और हमारे वैज्ञानिकों द्वारा लगातार यह प्रयास रहा जो 14 जुलाई को कार्यक्रम हुआ और 2:35 पर उसके बाद आज जब 6:35 पर 23 अगस्त को लैंडिंग होना था उसके चंद मिनट पहले से ही सभी देश एक टक निगाह लगाए हुए था और बाद सभी लोग अपने घर पर प्रार्थनाएं कर रहा था और आज जब सफल लैंडिंग हुई उसके बाद सभी पूरा देश ही नहीं विश्व पूरा दक्षिणी ध्रुव पर यह पहली सफलता मिली हुई भारत देश के रूप में आज पूरा देश जो गौरवान्वित पल महसूस कर रहा है गौरवान्वित महसूस कर रहा है। युवा शैलेश सिंह ने बताया कि चंद्रयान की लैंडिंग को लेकर हम सभी ने पूजा पाठ की, किसी ने अपने घर से तो किसी ने मंदिर पहुंचकर सफल लैंडिंग के लिए भगवान से प्रार्थना की। जैसे ही लैंडिंग हुई सभी ने एक दूसरे को बधाई दी। हमें गर्व है कि हमारा चंद्रयान सफलतापूर्वक लैंड कर गया है। आज नगर पंचायत असोथर में चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर काफ़ी लोगों में उत्साह रहा और सभी लोग अपने घर से और मंदिरों से बैठ के भगवान से प्रार्थना की। वहीं नगर पंचायत स्थित श्री मोटे महादेव मंदिर में लोगों द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ किया गया जिसमें चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग हो सके, जिसको लेकर काफ़ी भक्तगण मंदिर में आए और हनुमान चालीसा के पाठ में शामिल हुए। जैसे ही लैंडिंग हुई तो लोगों में काफ़ी खुशहाली का माहौल रहा और इस चंद्रयान 3 की वजह से हम सभी देशवासियों को बहुत खुशी है और हमें गर्व है कि हमारा चंद्रयान 3 बिल्कुल सफलतापूर्वक लैंडिंग हो गया है। फतेहपुर से आशीष सिंह की रिपोर्ट। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।